ल्यूमिनस, माइक्रोटेक, यूटीएल, स्मार्टन अलग अलग ब्रांड है जो इंडिया में सोलर इन्वर्टर बनाते हैं, और हर ब्रांड अपने इन्वर्टर को बेस्ट बताता है। लेकिन उनके बताने से क्या होता है, आपको खुद अपनी रिसर्च करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो सोलर इन्वर्टर खरीदते समय आपको ध्यान में रखने चाहिए। ये पॉइंट्स अगर आपके ध्यान में रहेंगे तो आप बेस्ट इन्वर्टर खरीद के लाएंगे अपने घर के लिए, और वो भी कम से कम प्राइस में। तो चलिए पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। पॉइंट नंबर वन, आपका जो इन्वर्टर है वो कितने वीए का है। मार्केट में जब आप इन्वर्टर लेने जाएंगे तो अलग अलग वीए में मिलते हैं, 500 वीए, 700 वीए, 800, 1 केवीए, 2 केवीए से लेकर 10 केवीए तक के सोलर इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आप कितने सोलर पैनल उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और कितना लोड उस पर चलाना चाहते हैं। इसको पूरा अच्छे से कैलकुलेट किया जाता है, और इसका एक काफी लेंथी प्रोसेस है, काफी लंबा ये प्रोसेस है। वो एक वीडियो में, अगर इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वो पूरा प्रोसेस अलग से मैंने एक दूसरी वीडियो में बनाया हुआ है, और वो वीडियो का लिंक आपको यहां ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आप वो पूरा प्रोसेस समझना चाहते हैं कि कितने वीए के सोलर इन्वर्टर की आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप वो वीडियो भी देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप पहले इस वाली वीडियो को पूरा देख लीजिए। पॉइंट नंबर टू, आपको सोलर इन्वर्टर की एफिशिएंसी चेक करनी चाहिए। कोई भी आप सोलर इन्वर्टर खरीदने जाएंगे तो उसके बॉक्स के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है जिस पर उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं, तो वहां पर आप इजीली देख सकते हैं कि जो सोलर इन्वर्टर होते हैं वो अलग अलग एफिशिएंसी के साथ आते हैं, 85%, 90%, 95% या उससे भी ज्यादा। आपको बस इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है कि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला सोलर इन्वर्टर लेना है। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उसकी होगी उतना ज्यादा लोड आप उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, दो कंपनी के सोलर इन्वर्टर हैं, इसकी एफिशिएंसी 85% है, इसकी एफिशिएंसी 95% है, दोनों 2 केवीए के इन्वर्टर हैं, लेकिन ये वाला जो इन्वर्टर है इस पर आप ज्यादा लोड चला पाएंगे क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। वहीं इस इन्वर्टर पर आप कम लोड चला पाएंगे। तो अपनी एफिशिएंसी चेक कीजिए, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाला सोलर इन्वर्टर आपको चूज करना है। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो है PWM टेक्नोलॉजी सोलर इन्वर्टर या MPPT सोलर इन्वर्टर। तो PWM वाले जो सोलर इन्वर्टर होते हैं वो सस्ते पड़ते हैं, MPPT वाले महंगे पड़ते हैं। लेकिन ये महंगे बेशक हैं, लेकिन ये ज्यादा करंट जनरेट करवा पाते हैं। अगर इस टाइप के सोलर इन्वर्टर के साथ आपने कुछ सोलर पैनल्स लगा रखे हैं तो ये वाला जो सोलर इन्वर्टर है ये इसके मुकाबले 30% ज्यादा करंट जनरेट करवा पाता है सोलर पैनल से। तो अगर आपको लगता था कि सिर्फ सोलर पैनल्स का काम होता है करंट जनरेट करना, ऐसा नहीं है, सोलर इन्वर्टर का बराबर का रोल होता है। अगर आप MPPT टेक्नोलॉजी वाला लेंगे तो ज्यादा करंट जनरेट कर पाएंगे, लेकिन ये वाले थोड़े से महंगे आते हैं। मार्केट में दोनों ही चलते हैं, PWM भी चलते हैं, MPPT भी, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग कम करंट जनरेट करके खुश हैं लेकिन उनको प्राइस कम चाहिए, कुछ लोग एक्स्ट्रा प्राइस पे करने को तैयार हैं लेकिन करंट एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी वैल्यू अब समझ में आने लगी है। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेटिंग्स। पहले जब सोलर इन्वर्टर हम खरीदते थे तब ये वाला पॉइंट ज्यादा किसी ने बताया नहीं था, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। सोलर इन्वर्टर डीसी करंट को, जो सोलर पैनल से डीसी करंट मिल रहा है उसको एसी में कन्वर्ट करता है, और आगे बैटरी भी उसी से चार्ज कर देता है, आपके अप्लायंसेस भी चला देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रात के टाइम अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज है या दिन में भी बादल है और बैटरी डिस्चार्ज है, तो बैटरी अपने आप को चार्ज करने की कोशिश करेगी, उसको जहां से करंट मिलेगा वो चार्ज करेगी। सोलर इन्वर्टर के साथ जो एसी सप्लाई कनेक्टेड होती है, अगर वहां से करंट आ रहा होता है तो वो बैटरी को चार्ज कर देता है, आपके अप्लायंस से चला देता है। अब यहां पर दिक्कत ये होती थी कि लोग सोलर पैनल तो लगा रहे हैं लेकिन उसका मैक्सिमम बेनिफिट उनको नहीं मिल पा रहा क्योंकि एसी करंट का भी बराबर यूज हो रहा है। तो प्रायोरिटी सेटिंग जैसे फीचर आजकल सोलर इन्वर्टर्स में मिलने लगे हैं, जहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने सोलर पैनल का ही पूरा यूज करना चाहते हैं या ग्रिड का यूज भी करना चाहते हैं या सिर्फ ग्रिड का यूज करना चाहते हैं, आप उसमें सेट कर दीजिए। अगर आप उसमें सेलेक्ट कर लेंगे कि सिर्फ सोलर पैनल का यूज कीजिए, तो चाहे आपकी बैटरी डिस्चार्ज भी हो, जब तक सोलर पैनल से करंट नहीं मिलेगा वो बैटरी चार्ज नहीं होगी, एसी करंट जो एसी आपके घर में आ रही है उसका यूज नहीं किया जाएगा। यहां पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको तो बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट दो पॉइंट है एक साथ आपको बता देता हूं, छोटे से पॉइंट है। आपने सुना होगा नॉर्मल इन्वर्टर होता है और यूपीएस इन्वर्टर होता है, तो हर इन्वर्टर में आपको ये फीचर मिल जाता है, आप उसको नॉर्मल मोड पर यूज करना चाहते हैं या यूपीएस मोड में। नॉर्मल मोड में वो ज्यादा एफिशिएंट होता है लेकिन यूपीएस मोड में आपको ये फायदा मिल जाता है। मान लीजिए आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं या अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और एकदम से पावर कट होती है, तो वहां पर जो आपका इन्वर्टर है वो टाइम लेता है स्टार्ट होने में, उतने माइक्रोसेकंड में आपके जो अप्लायंसेज हैं वो बंद हो जाते हैं, आपका सारा डेटा लॉस हो सकता है। तो ऐसे में आप यूपीएस मोड का यूज कर सकते हैं, वहां पर कोई फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है साइन वेव या स्क्वायर वेव। पुराने जो इन्वर्टर्स होते थे वो स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी पर काम करते थे, लेकिन उनसे जो आपके घर के सेंसिटिव अप्लायंसेस होते हैं उनके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल जो न्यू इन्वर्टर्स हैं वो साइन वेव टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और उनसे आपके अप्लायंसेस भी सेफ रहते हैं। तो जो भी आप सोलर इन्वर्टर चूज करें उसमें देख लीजिएगा कि वो साइन वेव टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है सोलर इन्वर्टर की वोल्टेज।
तो सोलर इन्वर्टर आपको अलग अलग वोल्टेज कैटेगरी में मिलते हैं, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट और 48 वोल्ट। इसमें सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप कितनी बैटरी उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप एक बैटरी कनेक्ट करना चाहते हैं तो 12 वोल्ट, दो करना चाहते हैं तो 24 वोल्ट, तीन करना चाहते हैं तो 36 वोल्ट और चार बैटरी कनेक्ट करना चाहते हैं तो 48 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर आपको लेना होगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है सोलर इन्वर्टर का प्राइस। जैसे गाड़ी का मॉडल होता है, बेस मॉडल आपको मिलता है, मिड मॉडल मिलता है, उसके बाद टॉप मॉडल मिलता है। तीनों गाड़ियां ही हैं, तीनों का काम आपको बिठाकर कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने का ही है, लेकिन उनमें फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं तो प्राइस बढ़ जाता है। इसी टाइप से सोलर इन्वर्टर में कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, उस वजह से उनका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ऐसे में काफी सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आपके सोलर इन्वर्टर में डिस्प्ले होनी चाहिए। पुराने जो सोलर इन्वर्टर्स होते थे उनमें डिस्प्ले नहीं होती थी, एलईडी इंडिकेटर्स होते थे। वहां पर दिक्कत ये हो जाती है कि आप एग्जैक्टली चेक नहीं कर सकते किस तरीके से आपका पूरा सिस्टम काम कर रहा है, तो उसमें डिस्प्ले होनी चाहिए। डिस्प्ले में ज्यादातर डिटेल्स लिखी हुई आ जाती हैं किस हिसाब से आपका सिस्टम काम कर रहा है, तो डिस्प्ले होनी चाहिए। दूसरा, इसमें प्रोटेक्शंस होनी चाहिए। आजकल जो सोलर इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनके पीछे एमसीबी होती है, एसी एमसीबी, डीसी एमसीबी, ये सारे प्रोटेक्शन का काम करते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये होनी चाहिए। तीसरा, आप उस इन्वर्टर में ऐप कनेक्टिविटी देख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप इस टाइप के इन्वर्टर लेने जाएंगे तो उनका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐप कनेक्टिविटी में क्या होता है कि अपने फोन को आप उस सोलर इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आप घर पर बैठे या कहीं से भी पूरा मॉनिटर कर सकते हैं कि किस हिसाब से आपका सिस्टम काम कर रहा है। पिछले एक साल तक का डेटा आप उसमें देख सकते हैं, कितना करंट आपके सोलर पैनल जनरेट कर रहे हैं, कुछ इशू है, अगर करंट कम जनरेट कर रहे हैं तो आप कस्टमर केयर पर कॉल करके किसी को बुला सकते हैं, उसको चेक करवा सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस टाइप के सोलर इन्वर्टर अगर आप लेने जाएंगे तो थोड़े से महंगे पड़ेंगे, महंगे बेशक पड़ेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसमें ही अच्छे से डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। और लास्ट में जो सोलर इन्वर्टर की वारंटी है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, इन फीचर्स को आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लेने जाएंगे तो थोड़ा सा सोलर इन्वर्टर का प्राइस बढ़ जाएगा और ये फीचर्स थोड़े अच्छे भी होते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको सोलर इन्वर्टर खरीदते समय ध्यान में रखने होते हैं। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि किस किस ब्रांड के कौन कौन से बेस्ट मॉडल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।